वर्गीकी के साधन कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्गीकी के साधन से आपका क्या तात्पर्य है, तो आप यही कहेंगे कि वर्गीकरण व जीवों के नामकरण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न तुलनात्मक जीवों के संग्रहों को हम वर्गीकी का साधन कहते हैं। अर्थात वे सभी संसाधन जिनकी सहायता से जीवों के लक्षणों का निर्धारण करते हुए उनका वर्गीकरण करते हैं और अंततः उनका नामकरण कर देते हैं, ऐसे साधनों को हम वर्गीकी का साधन कहते हैं। आपके कोर्स में वर्गीकी के तीन साधन प्रमुख बताए गए हैं, परंतु इसमें एक हमने और जोड़ा है, कुल मिलाकर के चार साधन आपके बताए गए। तो पहला साधन म्यूजियम। बच्चों, म्यूजियम में आप गए होंगे या सभी इंटर कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में म्यूजियम बच्चों के पढ़ने के लिए स्थापित है, जहां पर बच्चे अपने लैब में पहुंच करके उस म्यूजियम को देखते हैं और उसके वर्गीकरण का निर्धारण करते हैं। परंतु सामान्य लोगों के अवलोकनार्थ पूरे विश्व में अनेक म्यूजियम बनाए गए हैं, जैसे भारत में सैकड़ों म्यूजियम्स बनाए गए हैं, परंतु कुछ म्यूजियम इस प्रकार हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, यह दिल्ली में स्थापित है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में स्थापित है। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में स्थापित है। इस तरह से कुल मिलाकर के छोटे बड़े 200 से अधिक म्यूजियम स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी, लखनऊ का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूजियम स्थापित है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं कि वहां पर विभिन्न जीव किस तरह से रखे गए। अब म्यूजियम की परिभाषा देखते हैं। म्यूजियम को संग्रहालय कहते हैं। बच्चों, जरूर आपने नाम सुना होगा, खगोल विज्ञान यानी भूगोल में भी आपने सुना है संग्रहालय क्या है, वहां बताया गया। म्यूजियम संग्रहालय यह एक विशिष्ट स्थान होता है जहां जीवों को उनके वास्तविक रूप में परिरक्षित करके या ऐतिहासिक कृतियों को अवलोकनार्थ रखा जाता है। आप भूगोल के अनुसार पढ़े होंगे कि जो है बनारस का जो संग्रहालय है वहां अशोक चक्र रखा हुआ है, देवनागरी लिपि में होने वाले परिवर्तन रखे गए हैं, तमाम ऐतिहासिक नमूने, उत्खनन से प्राप्त अवशेष या प्रतिदर्श रखे गए, वो भी संग्रहालय है। लेकिन हमारे जीव में, जीव विज्ञान में, जीवों को उनके वास्तविक रूप में, जैसे ही वो जीव पाया जाता है, उन्हें वास्तविक रूप में परिरक्षित करके, जो ये जीवित नहीं होते, मृत होते हैं, और इन्हें परिरक्षित कर दिया जाता है जिससे सड़ते नहीं, बड़े बड़े बोतलों में, छोटे छोटे बोतलों में जैसा जीवों का आकार होता है, उन्हें विभिन्न परिरक्षी पदार्थों में रख करके या सुखाए जाने वाले जीवों को सुखा करके या बड़े जीवों को उनके अंदर से मांस हड्डी निकालकर भूसा भर करके और उन्हें उनके वास्तविक, ताकि वह बाह्य रूप से वास्तविक रूप से दिखाई दें, इस तरह करके सामान्य लोगों के, विद्यार्थियों के, वैज्ञानिकों के, सामान्य लोगों के अवलोकनार्थ देखने के लिए रखा जाता है, ताकि लोग उससे देखें और पहचानें, उसके लाभ और हानि को जानें। इन्हें हम म्यूजियम कहते हैं। परिरक्षी पदार्थ जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं, जो गीले म्यूजियम होते हैं, वो है अल्कोहल, हार्मोनिन या फिर ये। आप अपने विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ भी छोटे छोटे शीशे के बोतलों में आपको स्टारफिश, रोहू, मर्सीलिया, स्पॉन्ज, तमाम तरह के जीव आपको मिलेंगे। जब आप विद्यालय आएंगे
तो हम आपको दिखाएंगे। इससे लाभ क्या है? इससे पहला लाभ है, यह वर्गीकी का साधन है जिससे हमें तुलनात्मक लक्षणों के अध्ययन का अवसर प्राप्त होता है और जीवों की पहचान करके उसकी उपयोगिता और महत्व को समझ सकते हैं। इसके लिए आप लोग तीन उदाहरण अवश्य लिखेंगे। एक, विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? भारत का जो रॉयल बोटेनिकल गार्डन कलकत्ता में स्थित है तथा उत्तर प्रदेश का जो नेशनल म्यूजियम ऑफ उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है, ये तीन नाम आप लिखेंगे। दूसरा, हर्बेरियम। हर्बेरियम बच्चों आपको सेकेंड ईयर की क्लास में बनाना भी पड़ता है, इसलिए ध्यान से सुने। हर्बेरियम क्या है? पौधे तथा उनके भागों को मूल रूप में सुखाकर, दबाकर, परिरक्षित कर, कागज की सीट पर लगाकर एल्बम बना दिया जाता है, इसी को हम हर्बेरियम कहते हैं। हर्बेरियम में क्या होता है? ये केवल पौधों का बनाया जाता है, जबकि म्यूजियम पौधे और जंतुओं दोनों का बनाता है। ये सूखा होता है, इसे पौधे को ले लेते हैं, अगर छोटे पौधे हैं तो संपूर्ण पौधे को, बड़े पौधे हैं तो उनकी पत्ती, फूल, फल, डाली, एक शाखा, जड़ आदि कोई भाग ले लेते हैं, उन्हें जो है सुखा देते हैं, दबा देते हैं ताकि वो कागज पर चिपकने योग्य हो जाएं, फिर उन्हें परिरक्षियों द्वारा जो ऊपर DDT कीड़े आदि ना लगने पाए, किसी अच्छे कीटनाशक का या फॉर्मलिन का उस पर छिड़काव कर देते हैं और फिर कागज की सीट पर चिपका करके दाएं नीचे, दाएं और पेज के दाएं तरफ और नीचे की तरफ उसके संबंधित विवरण को भर देते हैं। इस प्रकार से अनेक पेजेस का एक कलेक्शन बन जाता है जिसे हम एल्बम कहते हैं, यही एल्बम ही हर्बेरियम कहलाता है। पुनः देखें, साइड पार में परिरक्षित पौधों से बना एल्बम ही हर्बेरियम कहलाता है। हर्बेरियम बनाने की विधि, पहले स्टेप में पौधों का संग्रह करना। आप फील्ड में जाएं, वहां से जो भी आपको पौधा मिलता है, जिसके जानते पहचानते हैं या नहीं जानते हैं, उसको सफाई से जैसा उचित समझे, यदि संपूर्ण पौधा सीट पर लग सकता है, संपूर्ण पौधा नहीं तो उसका कोई भाग, जो स्वस्थ हो, कटा पिटा ना हो, अच्छे से विकसित हो, उसका चुनाव करके ले आते हैं। फिर उनकी साफ सफाई करके ऑस्कुलम में या दाब मशीन में रख देते हैं, दबा कर रख देते हैं, जिससे वो चिपटे हो जाए और कागज पर चिपकने हो जाए। फिर जब वो सूख जाए, उस पर DDT आदि का छिड़काव करके, फॉर्मलिन, DDT आदि का छिड़काव करके उन्हें परिरक्षित कर देते हैं। फिर कागज के सीट पर उन्हें यथावत चिपका देते हैं, उसके सभी भाग सुरक्षित हैं। फिर पहचान का विवरण भर देते हैं। पहचान का विवरण भरने के लिए सबसे पहले संग्रहकर्ता का नाम, जो व्यक्ति उसका संग्रह किया है उसका नाम, संग्रह का स्थान, कहाँ से वो पौधा लाए हैं और किस डेट को लाए हैं वो लिख देते हैं। उस पौधे को वहाँ के लोग स्थानीय भाषा में क्या नाम देते हैं, यह नाम लिख देते हैं। फिर पौधों का वैज्ञानिक नाम, पौधों के संघ फाइलम का नाम, क्लास का नाम आदि विवरण भर देते हैं। अन्य विवरण, यदि उसका कोई बहुत औषधीय महत्व है या खेती करने योग्य है, दाल मिलती है, सब्जी मिलता है, या जैसे भृंगराज है तो अनेक एंटीबायोटिक्स घाव को भराने आदि में प्रयोग किया जाता है, तो वह विवरण भी दो एक शब्दों में लिख देंगे कि यह एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक या खाद्य या दलहनी पौधा है। तीसरा है टैक्सोनॉमिकल की वर्गीकी कुंजी। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा विभिन्न जीवों को एकांतर लक्षणों, समानताओं, असमानताओं के आधार पर सरलता से नामकरण व वर्गीकरण किया जा सकता है।
इस प्रकार यह वर्गीकी का एक मुख्य मार्गदर्शी। टैक्सोनॉमिकल की क्या है बेटा? यह वर्गीकी का एक मुख्य मार्गदर्शी होता है, अर्थात ये एक फ्लो चार्ट होता है, या यूं कहें कि यह एक मार्गदर्शिका होता है, या यूं कहें यह एक सूची पत्र या कैटलॉग होता है, या यह कहें यह एक मैनुअल होता है, जिससे देख करके जो पौधा हम ले आए हैं उसके लक्षणों के अनुसार उसे वर्गीकृत स्थान देते हैं और अंत में उसका नामकरण करते हैं। इस प्रकार से यह एक क्या है? कुंजी। कुंजी का अर्थ ही बेटा खोलना, अर्थात जो जीव आपने लाया वो किस संघ का है, किस क्लास का है, किस ऑर्डर का है, किस जीनस का है, उसका वर्गीकृत देते हैं और फिर उसका नामकरण करते हैं। तो उसके लिए जो कैटलॉग है आपके पास, मार्गदर्शिका पुस्तिका है, उसके अनुसार हम उस पर कार्य करते हैं जिससे उसका नामकरण हो पाता है। इसीलिए इसे कैटलॉग कहते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटलॉग भी कहते हैं। टेक्निकल गार्डन, वानस्पतिक उद्यान, ये क्या होते हैं? नाम से ही पता चलता है इसमें पेड़ पौधे होंगे। गार्डन मतलब बगीचा। तो कुछ स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों की अनेक जातियाँ उनके पहचान के साथ लगाए गए होते हैं, इन्हीं स्थानों को हम बोटैनिकल गार्डन कहते हैं। जैसा दिखा वह स्थान जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उनके मूल रूप में उगाए गए होते हैं और लोगों को अवलोकनार्थ उगाए गए होते हैं, इससे लोग जाएं, उसे पहचानें, उसके महत्व को समझें और उनका परिरक्षण करें, ऐसे स्थानों को हम बोटैनिकल गार्डन कहते हैं। भारत में बोटैनिकल गार्डन, नेशनल बोटैनिकल गार्डन लखनऊ, आपके जो लखनऊ में है याद रखिए, इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा, जो सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है, सबसे पहले भारत में स्थापित हुआ था अंग्रेजों के द्वारा। रॉयल बोटैनिकल गार्डन, जो विश्व का सबसे बड़ा बोटैनिकल गार्डन है, वो लंदन में है, जो है इसे क्यू ने स्थापित किया था। सर्वप्रथम पूरे विश्व में क्यू ने ही इस कॉन्सेप्ट को लगाया और वह अपने मनोरंजन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों का संग्रह किया, उन्हें लगाया, आगे चल करके उसी को जो है जीव विज्ञान के लिए प्रयोग किया जाने लगा, जिसे रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहा गया। इस प्रकार से भारत सहित विश्व में अनेक बोटैनिकल गार्डन बनाए गए हैं, जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। यहां पर विद्यार्थी, वैज्ञानिक, सामान्य जन जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों को देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं, उनके महत्व के विषय में जानते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी होता है, पादप जातियों का संरक्षण भी होता है, और जिससे बहुत सारे पौधे जो विलुप्त होने वाले हैं उनका भी परिरक्षण हो जाता है। लास्ट है पांचवा, जूलॉजिकल पार्क। जिस तरह से गार्डन में जीवित पौधे रखे होते हैं, उसी तरह से जीवित जंतु यहाँ पर रखे गए होंगे। बच्चों, बहुत से जू यानी चिड़ियाघर गए होंगे, चिड़ियाघर में केवल चिड़िया ही नहीं मिलती बल्कि अन्य जानवर, बंदर, बाघ, चीते, भालू, बारहसिंघा आदि आप लोग देखने जाते हैं तो आपका मनोरंजन होता है, साथ ही पहचानते भी हैं। यही इनका उद्देश्य भी है, गार्डन और पार्क का यही उद्देश्य भी है, लोग जाएं, उन्हें पहचाने, का मनोरंजन भी हो तथा उनके लाभ और हानियों से वह अवगत भी हों, जिससे उनका परिरक्षण हो सके। इस स्थान पर विभिन्न जंतुओं को जीवित रूप में जिस स्थान पर अवलोकनार्थ पालन किया गया होता है, उस स्थान को हम जूलॉजिकल पार्क कहते हैं।
जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स प्राणी उद्यान जो लखनऊ में है आपके, और नंदन कान्हा प्राणी पार्क जो है भुवनेश्वर में है। इस तरह से भारत में और बहुत सारे प्राणी उद्यान, बोटेनिकल गार्डन, हार्बेरियम, म्यूजियम्स बनाए गए हैं। बच्चों जनरली ये होता है कि जहाँ पर बोटेनिकल गार्डन होता है वहाँ हार्बेरियम भी होता है, जहाँ पर जूलॉजिकल पार्क होता है वहाँ पर म्यूजियम भी होता है। ऐसा होता है क्योंकि वहाँ पर जीवित पौधों को भी देखिए, उनके दुर्लभ जो उस वातावरण में नहीं उगाए जा सकते उन पौधों के परिरक्षित मृत शरीर को भी देखिए, जिससे आप पहचान